अच्छा नू, आप क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो? पेंसिल वाला कलर है? हाँ। आपको चाहिए? हाँ। चलो अभी देखते हैं कौन सा है पेंसिल वाला। अंकल अभी अंकल बिजी है ना, अभी दिखाएंगे। डोरेमोन भी ले लो। डोरेमोन भी? चलो ठीक है। हाँ पेंसिल है, लेना है आपको? हाँ। चलो अभी देखते हैं। चाहिए आपको पेंसिल? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं मार्केट श्रेयान के लिए बैग लेने। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि श्रेयान के लिए न्यू बैग लेना है, बट हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था बैग लेने का। तो अभी हमें टाइम मिला, मतलब रात ही हो चुकी थी, 6:30 हो रहा था। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हम आए शॉप पे, पर श्रेयान को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा और उसको दिख नहीं रहा था, तो मैंने ऊपर चढ़ा दिया। फिर भी इसको कोई भी बैग पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसको कभी ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं आ रहा। बस ये कार्टून्स वाले आ रहे हैं जो पिकनिक बैग होते हैं। अब श्रेयान पता नहीं कौन सा पसंद करता है, देखते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा बैग लिया। श्रेयान को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, पर बैग तो लेना ही था, तो हम श्रेयान को एक बैग ट्राई करवा रहे हैं कि ये लो, पर श्रेयान को बिल्कुल भी मन नहीं है। श्रेयान बोल रहा है पापा घर चलो, मुझे नहीं लेना है। तो हमने ले तो लिया है बैग, अब जो भी है लेना तो था ही, तो हमने ले लिया बैग। उसके बाद बच्चों ने कुछ खाना है, तो बारिश भी बहुत लगी थी, फिर हमने कुछ फास्ट फूड लिया और मंगाई हमने नूडल्स और डोसा मंगवाया है। फिर इसको खा के हम चलते हैं, काफ़ी बारिश हो रही है हम लोग के वहाँ, तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर को। फिर हम आ गए हैं घर और हमें काफ़ी रात हो चुकी थी। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हम लोग के वहाँ ना काफ़ी बारिश हो रही है 2 दिन से, और यहाँ देखो कितना मौसम ख़राब हो रहा है। रात को भी काफ़ी बारिश, पूरी रात यहाँ बारिश रही है, और अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और हाई अलर्ट बता रखा है 3 घंटे के लिए, तो बहुत हाई अलर्ट बताया है हम लोग के साइड। और यहाँ देखिए जहाँ हम रहते हैं ना, उसके पीछे सिंगाड़े की खेती होती है, यहाँ पर काफ़ी सिंगाड़े बोते हैं, तो इसका पानी जो होता है ना सारा भर के इधर आ जाता है। और देखो इस तरीके से इतना पानी भरा हुआ है यहाँ। पिछले साल तो यहाँ काफ़ी पानी था कि स्कूटी पूरी डूब चुकी थी, पर इस साल नीचे नीचे पानी है, फिर भी यहाँ बहुत पानी है। अभी श्रेयान को आज फीवर भी आ रखा है, हमें लेके जाना है उसको हॉस्पिटल, देखते हैं कैसे लेके जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग चले गए हैं हॉस्पिटल उसको लेके। उसके बाद उसको कल रात से ही बहुत बुखार आया था, क्योंकि हम लोग जब उसका बैग लेने गए थे, तो फिर वो थोड़ा सा उसको सर्दी जुकाम भी लग गया, तो बुखार आ गया था। फिर अभी इसको डॉक्टर अंकल बता रहे हैं कि दवाई खानी, क्योंकि दवाई खाता नहीं है। तो श्रेयान बोल रहा है ठीक है मैं सारी खा लूँगा, देखते हैं फिर श्रेयान खाता है या नहीं खाता दवाई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग के।